तो फ्रेंड्स मैं कुछ सामान लेकर आई थी ठाकुर जी का, ये देखिए ये मैंने पोशाक ली थी और एक ये ली है और एक ये ली है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये वाली पोशाक, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये वाली भी, और मैं ये डेली के लिए लेकर आई हूँ और इसे मैं रक्षाबंधन पर और जन्माष्टमी पर पहनाऊँगी। और बांसुरी थी, दो तीन बांसुरी थी तो मैंने सोचा नई ले लेती हूँ, तो ये मैंने एक बांसुरी भी ले ली थी और ये मोरपंख वाला मुकुट, पगड़ी वाले मुकुट तो कई सारे रखे थे तो मैंने सोचा मोरपंख वाला ले लूँ, तो ये वाला ले आई थी और एक ये माला ले आई थी। देख सकते हैं कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है ये देखिए। आप बताइए आपको कौन सी वाली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स और मैं ये राखियाँ लेकर आई थी, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत राखी है और देखिए ये सारी राखियाँ हैं। और ये अपनी बेटियों के लिए लेकर आई थी, ये कंगन वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली थी और सारी राखियाँ बहुत अच्छी थी। आप बताइएगा आपको कौन सी वाली राखी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तो सारी राखियाँ ही पसंद आई थी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, आज फिर मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट भी जाना है और मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों के फीस वगैरह जमा करने के लिए, तो फिर चलते हैं। ये देख मैंने कॉटन का कुर्ता पहना है क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम ना बाइक से जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था बाइक से, थोड़ी धूप भी थी जब हम इधर से गए थे स्कूल के लिए, तब तो बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी। मैंने कहा क्यों हम लोग दोपहर में जा रहे हैं, कल तो सुबह जाके करते थे फीस जमा, पर ये नहीं माने। और जब हम स्कूल से निकले थे तो मौसम ख़राब हो गया था, बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम स्कूल पहुंच गए हैं और बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, तो कोई भी नहीं था, सिर्फ फीस काउंटर ही खुला था। तो अभी हमने बच्चों की फ़ीस जमा कर दी है, अभी हम जा रहे हैं स्कूल से। आप देख सकते हैं कैसी धूप निकल रही है और थोड़ी देर में देखिएगा बिल्कुल धूप चली जाएगी और मौसम ऐसे बादल जैसे हो जाएंगे, बारिश जैसा मौसम बन जाएगा। और मैं आपको पूरा स्कूल के थोड़ी सी वीडियो बना ली थी मैंने, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम स्कूल से बाहर आ गए हैं तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी भी क्लिप निकाल लूँ। और देखिए बाइक पे ना बाल सारे ख़राब हो गए हैं मेरे। अब हम चलते हैं घर के लिए और काफ़ी गर्मी हो रखी थी। और मैं इनसे कह रही थी ज़रा सा देखो कैमरे की तरफ, ये कह रहे थे वीडियो तो बना रही हो, फ़ोन ना गिर जाए क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी, तो डर लग रहा था कहीं बाइक से फ़ोन ना गिर जाए झटके वटके में, क्योंकि बाइक पे तो आप जानते हैं झटके लगते रहते हैं। और ये काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे थे, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, मौसम बहुत अच्छा हो गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो पानी भरा हुआ था जगह जगह पर। आप पेड़ पौधे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ ऐड के साथ वीडियो को वॉच करिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल से थोड़ी दूरी पर निकलते हुए ये बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं है, मतलब शिव जी की मूर्ति है ये, और यहाँ पे छोटे से शिवलिंग भी बने हुए हैं नीचे और नंदी भी हैं, नंदी भी बने हुए हैं। और ये शिव जी की मूर्ति बहुत बड़ी है, मतलब बिल्डिंग देखिएगा तो 3-4 मंजिल के बराबर के हैं ये शिव जी। और मैं आपको गेट के पास जाकर दिखा रही हूँ पर फिर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, गेट बंद था। और आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं वो नंदी महाराज हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है ये देखिए।
मैंने कोशिश की थी पास से जाने की, पर गेट बंद था इसका। ये कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर बना हुआ है, देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और हम यहाँ से निकल गए थे और देख सकते हैं अब मौसम कैसा हो गया है। ऐसा लग रहा था बस बारिश हो ही जाएगी रास्ते में ही, बिल्कुल बादल ऊपर आ गए थे और धूप चली गई थी, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, बादल हो गए थे। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बाइक पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो में ये मेरी पहली राइड है बाइक पर, तो अभी हम यहाँ मार्केट में आ गए थे। तो मैंने कहा बच्चों का ब्रा था तो थोड़े से फ्रूट्स ले लो, तो इन्होंने फिर फ्रूट्स लेने के लिए बाइक रोक ली थी, तो हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए थे, और भी कुछ सामान था वो लिया था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, और बताइए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।